नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की इतनी सजगता के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। ताजा मामला जो सामने आया है वो बेहद गंभीर। ताजा मामला संभल से सामने आया, जहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ हो रही है। बीती रात संभल जिले के असमोली क्षेत्र में एक गांव का है, जहां पर कुछ युवकों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लेकिन संभल पुलिस की हालत ऐसी कि अब तक चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस अपनी पुरानी राख को अलापते हुए कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। यूपी में छेड़छाड़ का ये पहला मामला नहीं है। आए दिन यूपी में अलग अलग जगहों पर छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस की हालत यह है कि हर बार कार्रवाई का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेती है। अब आपके सामने हम आपको अलग अलग तरह से आज मामला बताएंगे। पांच का प्रश्नकाल इसी मुद्दे पर करेंगे। तो दरअसल अब आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की छेड़छाड़ की चार तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो आज पांच के प्रश्नकाल में अलग अलग तरह के सवाल खड़ा करती हैं। तस्वीर नंबर एक संभल से। संभल में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है। शौदे जो है, जिसे हम दुशासन कह सकते हैं, वो लड़की का वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं एक बार चेहरा वीडियो में अच्छे से दिखा दो। जिस लड़के के साथ वो लड़की जा रही है उसे वो लोग कह रहे हैं कि दरअसल लड़की की उम्र छोटी, अपनी उम्र की तो लेकर आता, मतलब इससे ज्यादा गलत बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं और छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर ठीक नीचे, यानी कि ये तस्वीर गाजियाबाद की है। बिल्कुल ऐसा ही मामला, छेड़छाड़ का मामला सामने आया और बैक टू बैक बरेली और फिर उसके नीचे कानपुर। ये चार तस्वीरों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें छेड़छाड़ की तस्वीरें हैं, गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। इन चारों तस्वीरों पर हम करेंगे चर्चा। तो पांच के प्रश्नकाल में आज का मुद्दा हमने आपको हेडलाइन से पहले बताया, आपको बताया कि आखिरकार कैसे लगातार प्रदेश में जब बात कानून व्यवस्था की हो रही है तो पुलिस की लापरवाही कह लें, दुशासनों का हौसला कह लें, जो उनका आतंक है उससे बेटियां परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम कोशिशें करते हैं, बैठकें करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन वो निर्देश आखिरकार जब अलग अलग जिलों की बात करते हैं वहां पर पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, अधिकारियों के कानों पर जू तक क्यों नहीं रेंग पा रही है, सरकार की तमाम कोशिशों जो है उन पर क्यों ये अधिकारी पानी फिरने में लगे हैं। सवाल इतना नहीं है, घटना तो हो गई। संभल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, घटना हो गई, लेकिन घटना घटने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोपहर लगभग एक बजे हमने संभल के एसएसपी से फोन पर बात की थी और उनसे हमने पूछा था। उन्होंने कहा था फोन रखने के एक से डेढ़ घंटे बाद, दो घंटे बाद हम चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमने मामला दर्ज कर लिया है, उनके घर पर दबिश दी जा रही है। लेकिन घटना घटे काफी दिन हो गए, 10 तारीख की घटना सामने आई है, हमने आज दिखाया, कल मुकदमा दर्ज हुआ था, दोपहर एक बजे आश्वासन मिला, पांच बज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आरोपी जो है वो खुले घूम रहे हैं और ऐसे में ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। घुमघड़ी नींद से कब जागेगा प्रशासन? और चलिए यहां पर डिबेट का पैनल ओपन करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी। हमारे साथ बीजेपी से राम हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम हृदय जी। वुमेन एक्टिविस्ट गौसिया खाना हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थोड़ी देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जुड़ जाएंगे, पीएसपीएल से अवधारण सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपके पास आएंगे, उसके बाद आगे जमान जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे उनके पास चर्चा के लिए चलेंगे। आप बीजेपी के जो बैठे हुए हैं, हाँ, इनसे चूंकि हम इसलिए पूछेंगे बाद में एके, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं तब सवाल ही उठता है कि आखिरकार, चूंकि संभल की तस्वीर हमने शुरुआत में भी दिखाई थी, जहां पर आपको हमने बताया भी था कि लड़की मोटरसाइकिल पर है एक लड़के के साथ, चार लड़के उसे घेरे हुए हैं,
वो लड़की अपना मुंह छिपा रही है, उससे कहा जा रहा है कि एक बार वीडियो तो बनवा दो, कम से कम चेहरा तो उसमें दिखा दो। मतलब इससे ज्यादा ज्यादा बाद में हमने उसकी आवाज़ बंद कर दी और हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हम सुनाने लायक ही नहीं थे, इस कंडीशन में हम नहीं थे। लेकिन चूंकि आप तमाम मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं, आपने प्रदेश का भ्रमण भी किया, देश के अलग अलग जिलों में आप प्रदेशों में गए हैं, आप हालातों को बखूबी आप समझते हैं, रात में घर भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तमाम जगह पर आप बखूबी समझते हैं, एक लड़की पर किस तरह की क्या बीतती होगी उस पर जिस वक्त उसके साथ ये सब हो रहा है? ये देखिए बहुत शर्मनाक बात है। मैं आपको कई बार हर प्रोग्राम में, मेरे ये सारे मित्र बैठते हैं मैंने हमेशा बोला है कि यूपी के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है फेवरेबल लॉ एंड एनवायरनमेंट। आपने जैसे बोला, मैं साउथ इंडिया, महाराष्ट्र वगैरह भी और दूसरे स्टेट में गया हूँ, वहाँ पे चीजें बहुत साफ है, मतलब कम से कम इन सब मामलों में बहुत कमी है। यहाँ तो चार केस आप एक साथ दिखा रहे हैं, आए दिन सरकार सख्त होती है फिर नया केस आ जाता है, तो सरकार को कुछ बहुत गंभीर कदम लेने चाहिए। ये चार घटनाएं जो आप दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला बीजेपी के मित्र से आप पहले पूछिए कि क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो आप, क्यों नहीं ऐसे प्रॉब्लम पे आप लोग रोक लगा पा रहे हो, या क्या कार्रवाई होती है ऐसे करके, जो एक ट्रिलियन इकोनॉमी आपको कंट्रीब्यूट करना है 5 ट्रिलियन में, आप मान के चलो यहाँ के लोग भी छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे, कौन इस माहौल में रहना चाहेगा? चप्पे चप्पे पे आपके नेता खड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन आपको देना है तो लोगों की कमी नहीं है, आरएसएस बाहर निकल आता है स्वयं सेवा के नाम पे, तो ये चीजें रोकना भी तो स्वयं सेवा है, यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? देखिए ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है ना, अगर इनको रोक लिया तो बड़े अपराध अपने आप, यही छोटे छोटे अपराधी कल चल करके बहुत बड़े अपराधी बनते हैं, जेब पॉकेट मारी, चैन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ छेड़खानी, सड़कों पे इस तरीके, रात को कोई 12 बजे हाईवे पे जा नहीं सकता है, नगर सड़क ये सब चीजें तो इतनी सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस व्यवस्था का कुछ है, रोब वोब है, डर है कानून का कि नहीं है? कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है ये चारों तस्वीरें देख के, कि सुरक्षा जो मैं बार बार बोलता हूं कि आजाद कौन हुआ देश में आजादी के बाद, केवल नेता आजाद हो गए, सारी सुरक्षा पक्ष विपक्ष के जितने नेता हैं उनके बेटे बेटियों के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी, और पब्लिक बस घूमती रहे सड़क पे एकदम असुरक्षित, उसके दिमाग में असुरक्षा, ये कॉमन बात है, घर में लोग बोलते हैं रात हो गई बाहर मत निकलो, अरे सुरक्षा तो इस हिसाब से होना चाहिए। कि जब हम अपने घर जाते हैं, इटावा घर है, और जब यहाँ से जाते हैं तो आप ही एक बार बोल रहे थे और तमाम लोग बोल देते हैं कि रात में हमने एक्सप्रेसवे पर नमन चाहिए। हम जब मार्केटिंग करने के लिए जाते थे तो उधर लोग बोलते थे जो है, अभी भी ऐसे जगह है बोलते हैं कि साहब अगर आपको निकलना हो तो 4 बजे के पहले निकल लीजिए, नहीं तो 6 बजे के बाद हम, अरे हम लोगों के घर में अभी भी यूपी वगैरह में रात हो गई है, लोग सब लोग बोलते हैं पड़ोसी वगैरह सब, भाई निकलना हो तो निकलो, रात हो गई है मत जाओ। राम हृदय जी, अब आपके पास आऊंगा, चूंकि एक ही के पास मैं इसलिए पहले गया था ताकि आप सुन भी ले कि हालात किस तरह के हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि हम सवाल कर रहे हैं लेकिन एक ही भी उससे रूबरू है, गौसिया खारम के पास भी आएंगे, वो तमाम बातों को बताएंगी। संभल की सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, 10 अगस्त का मामला है, रात के समय, शाम के समय लगभग है, एक लड़की मोटरसाइकिल पर जा रही है किसी लड़के के साथ, उसका भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है सर, लेकिन सवाल ये कि चार लड़के उसे घेर लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वरना वो क्या क्या कर रहे हैं वो तस्वीरों में दिख रहा है, उसके साथ बदतमीजी करके बातचीत कर रहे हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लड़के को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। 10 अगस्त की घटना घट गई, कल पुलिस प्रशासन जागा सोया हुआ और मामला दर्ज कर लिया, 24 घंटे घटना को घट गए हैं, कार्रवाई के नाम पर शून्यता है सर। उस लड़की को आप क्या कहेंगे, उसके परिवार वालों को आप क्या कहेंगे, आप हमें क्या कहेंगे? जी अजितेश जी, देखिए पूरा का पूरा पीड़ित परिवार के साथ पार्टी खड़ी है और निश्चित ही न्याय होगा। कैसे? और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी उसमें दोषी पुलिसकर्मी होंगे वो नपेंगे, कोई बक्सा नहीं जाएगा, इसलिए कि मामला 10 तारीख का है और आज 16 तारीख हो गई है, तो इस संदर्भ में ये जांच का विषय है, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे, चाहे एसपी हो वहां के संबंधी, चाहे जिस थाने के, दंडित होंगे और निश्चित ही इनके ऊपर जो है कि कार्रवाई होगी, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है और चाहते हैं कि पूरे सिस्टम ईमानदार बने, और हम भी कह रहे हैं चर्चा की शुरुआत में। मेरा सवाल ये है कि सर इस बात को कहते कहते सर मुश्किलें तो कम नहीं होंगी ना, ये तो हम भी कह देते हैं और है भी जी, लेकिन वो अधिकारी आखिरकार क्यों सोए हुए हैं सर? सर दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं हर थाने में दो दो थानेदार रख लेते हैं, पुलिस की संख्या बल बढ़ाया जाए ना, अगर सुरक्षा व्यवस्था सबसे प्राइमरी चीज है,
आपकी सरकार खुद बोलती है कि हम सबको सुरक्षा देंगे, प्राथमिक लक्ष्य है, तो जो सारे रिक्वायरमेंट है उनको क्यों नहीं, फेल्योर कहां पे हो रहा है सर? अभी अगर आप कोई किसी नेता को जरा सा बोल दे अभी, कोई कुछ कर दे, तो देखिए तुरंत जो है कार्रवाई होती बल्कि है। अगर कई बार तो ऐसा होता है, पक्ष विपक्ष दोनों, आजम खान की भैंस खो गई थी उसको ढूंढने के लिए, अब जब बात कर ही रहे हैं तो खुलकर ही बोल देते। कई बार तो सुरक्षा के लिए ये तमाम तरह से झूठे फोन कॉल तो चिट्ठी की बात करके सुरक्षा ले ली जाती, हाँ, मिल भी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड ले लिए जाते। लेकिन आखिरकार इस लड़की को आप क्या कहेंगे सर? आपने कह दिया, क्या हो गया? आप इस लड़की की भावना आप समझ रहे होंगे ना, क्या आजकल हो गई होगी उस दिन की घटना के बाद? घर से निकलने में डर लग रहा होगा, बल्कि ऐसी स्थिति के बाद गौसेखाना में बेहतर तरह से बता पाएंगी। एक लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, उससे अपनों से भी डर लगने लगता है, उसको कोई छूता है उसको, उससे भी उसे डर लग जाता है। और यहां तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जो इसके साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं। गौसिया खानम जी, जी अजितेश जी, उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो इस वक्त तो बहुत मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित होगी और उसके हालात बहुत ही खराब होंगे, क्योंकि वो तो वही समझ सकती है दर्द, क्योंकि एक महिला के साथ, जब महिला हो या लड़की हो, उसके साथ जब कोई ऐसी वारदात घटित हो जाती है तो वो तो वही समझती है कितनी अपमानजनक बात है कि अगर ऐसी वारदात हुई भी है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था तत्काल। हो सकता है उन्होंने एक दो दिन ना पुलिस में कंप्लेन किया हो, लेकिन आगे जाकर के कंप्लेन किया हो तो पुलिस को वहां कल पे तो एक्शन लेना चाहिए था, मुकदमा दर्ज हो चुका है, अरेस्ट करना चाहिए था। 24 घंटे घट चुके हैं। हमने दोपहर में एसएसपी से फोन पर बातचीत भी की थी, यमुना प्रसाद जी नाम काफी जाना माना है उत्तर प्रदेश का, और वो कहते नजर आए आप फोन रखिए और 2 घंटे के अंदर हम अपराधियों को भी पकड़ के दिखाते हैं। लेकिन 5 घंटे हो गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, शून्यता है। उस परिवार को क्या समझाएं, उस लड़की को क्या समझाएं? और एक नहीं, ऐसे चार मामले और हैं। राम हृदय जी, एक बार फिर से अगर आप उस लाइन को ना बोलें, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी चर्चा में कम से कम वो लाइन ना दोहराए, क्योंकि हम वो नहीं कह रहे, हमें ना सरकार की मंशा पर सवाल है ना मुख्यमंत्री की, हम बस ये पूछ रहे हैं कि उस लड़की को आप क्या कहेंगे सर, और क्या आपके ये कहने से उसके साथ जो हुआ उसका दर्द कम हो जाएगा क्या? राम हृदय जी, जी अजितेश जी, पूरी की पूरी हम उस लड़की के साथ, उस परिवार के साथ पूरा का पूरा कर दीजिए ना सर, एसएसपी को फोन अभी, और हम सहानुभूति फटकार लगा दीजिए कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की आपने अभी तक जी। और कार्रवाई होगी, इस विषय पे बात कप्तान से की जाएगी, बात एडीजे से की जाएगी, आईजी डीआईजी जो भी संबंधित क्षेत्र के होंगे की जाएगी, और जिस भी थाने के जिस हलके की घटना है वहां अगर इस तरह से लापरवाही होगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्योंकि चर्चा जब हम कर ही रहे हैं, हम आपदा रण सिंह हमारे साथ जुड़ गए, पीएसपीएल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट है आप। आपदा रण सिंह आपके पास आएंगे, इससे पहले मैं चाहूंगा कि दरअसल संभल के एसएसपी को हम इसी चर्चा में फोन करें, क्योंकि 1 बजे मैंने खुद उनसे बातचीत की थी, ऑन एयर बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कार्रवाई 2 घंटे में हो रही है, अभी तक हुई कि नहीं हुई ये भी अपडेट वो दे देंगे, और कब तक होगी कैसे होगी। और राम हृदय जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर उनसे पूछिएगा। आपदा रण सिंह आपके पास आएंगे, तब तक हम एसएसपी को फोन लगा रहे हैं। संभल की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, शायद आप थोड़ा लेट आए तो आप नहीं देख पाए होंगे, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इंतहा पार करके, मतलब बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं, उसके साथ लगातार बदतमीजी हो रही है, बेहाई हो रही है, लगातार उसे छेड़ा जा रहा है, और ऐसे और मामले सामने हैं। कार्रवाई के नाम पर सर अब तक शून्यता है। आपदा रण सिंह जी, अस्तेश जी मुझे अपना पक्ष रखना है या आप एसएसपी को फोन लगा रहे हैं? हम एसएसपी को सर जब तक फोन लगा रहे हैं आपसे कहेंगे, आप अपनी राय रखें सर इस पर, अपना पक्ष रखें, क्योंकि उसी बीच अगर एसएसपी जुड़ेंगे तो मैं चाहूंगा आप भी उनसे सवाल करें, राम हृदय जी भी सवाल करें, गौसिया खानम भी करें, आज विजय दुबे जी भी सवाल करेंगे, एक भी सवाल करेंगे, मैं भी पूछूंगा उनसे जी। देखिए अस्तेश जी, इस प्रदेश में राम हृदय जी कुछ भी कहें, सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी यदि उनका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना ऐसी नहीं है कि रास्ता चलते हमारा आपका झगड़ा हो गया, ये एक मानसिकता की परिचायक है कि एक बच्ची अपने किसी भी परिजन के साथ, इष्ट मित्र जो भी रहा उसका रिश्ते में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बिल्कुल किसी के साथ जा रही, अगर अकेली होती तो भी एक बार माना जा सकता था कि किसी की हिम्मत पड़े, किसी के साथ वो जा रही है, अपने गार्जियन के साथ जा रही है और उसके साथ ऐसी घटना होती है,
10 तारीख की घटना है, 16 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ, आप सबके प्रयास के बाद अगर FIR लिखा जा रहा है तो इस प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आप उन्नाव कांड पे चले जाइए, एक साल तक संघर्ष के बाद जब आत्मदाह की नौबत आई तब मुकदमा लिखा गया और बीजेपी प्रशासन उनके साथ खड़ा रहा, सेंगर जी के न कि पीड़िता के। अंत में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए कि यहाँ की पीड़िता को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और हस्तक्षेप के बाद सारे मुकदमे ट्रांसफर कराए दिल्ली। इसके अलावा उसकी सुरक्षा के लिए CRP यहां तक इतना इकबाल प्रशासन का गिर चुका है कि पुलिस पर भरोसा नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी जाती है, उसने CRP की सुरक्षा व्यवस्था उसको मुहैया कराई। तो ये कोई नई घटना नहीं है। राम हृदय जी और इनके प्रशासन को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और जी बार ये कह के निकल जाते ये अधिकारी खराब वो अधिकारी खराब, पिछली सरकारें खराब थी, 2.5 साल से आप सरकार में बैठे हो, अगर आप तक अब तक आप अपने काम के लिए अधिकारी नहीं छांट पाए हो तो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जहां पे ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। मैं NCRB के आंकड़ों की बात करूं, 8,865 यमुना प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यमुना प्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 5 के प्रश्नकाल में। सर 1 बजे मैंने आपसे फोन पर बातचीत की थी संभल के मामले को लेकर, आपने कहा था 1 से 2 घंटे पर हम आरोपियों को गिरफ्तारी कर लेंगे। सर अभी तक मामले से जुड़े अपडेट क्या आपसे हम जानना चाहते हैं? व्यक्ति गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के लिए टीमें निकली हुई हैं और दबिश दी जा रही है, उनके परिवार वालों को साथ में लेकर के जो एक्चुअल मुंजिम है उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यमुना प्रसाद जी चूंकि जब हम चर्चा कर रहे थे और आपके नाम का भी जिक्र हुआ तो मैंने चर्चा में खुद कहा कि दरअसल यमुना प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के जाने माने IPS हैं और आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर, क्योंकि जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उस लड़की की स्थिति कैसी है, क्योंकि भले ही छेड़छाड़ हुई है लेकिन मानसिक स्थिति जाहिर सी बात है बिगड़ती है, तो उस लड़की की स्थिति कैसी है, आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन परिवार को दिया गया है? जी हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ, एक मानसिक दबाव बनता है, मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है और इस बात के लिए उसकी काउंसलिंग के लिए महिला काउंसलर से बातचीत भी कराई गई थी और चूंकि ये मामला थोड़ा नाजुक मामला है इसलिए सार्वजनिक रूप से तो नहीं किया जा सकता। हमारी प्रभावी कार्रवाई ये है कि उस लड़की को कैसे कैसे मेंटल रिलैक्समेंट हो, दूसरा जो अपराधी है उनके खिलाफ कैसे प्रभावी कार्रवाई हो। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा जा चुका है और उसके बाद अन्य टीमें हमारी लगी हुई हैं, उनके रिश्तेदार भी हमारे पास है और परिवार वाले जो अन्य अभियुक्त हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी। ठीक है, बीजेपी से राम हृदय जी हमारे साथ है। राम हृदय जी आप SP साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, SP साहब ने आपको बता ही दिया, SP साहब इस पे तुरंत कार्रवाई करें, जो भी दोषी हो उनको गिरफ्तार। यमुना जी बस एक सवाल करना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट जी। यमुना सर मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूरे देश की पुलिस व्यवस्था के बारे में एक मेरा क्वेश्चन है, क्यूरी है कि घटना हो जाती है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है आपने पकड़ लिया, आप पकड़ लेंगे, पुलिस का दायित्व तो ये नहीं होता है क्या कि प्रिवेंटिव मूड पे काम करे? आप लोगों को अपने एक एक थाने एक एक अपराधी के बारे में पता होता है तो क्यों नहीं आप लोग ऐसा अपना कल्चर डेवलप करते कि कोई करने के पहले ये सोचे? ऐसे तो घटना होती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी। जी हाँ जी हाँ, एक मैं एक आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो आप ये इस तरीके के लोग हैं वो भी इसी समाज के पार्ट हैं और वो कोई एलियन रूप से नहीं आए हैं, वो सामाजिक रूप से उनको जागरूक करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी जो लड़के हैं खासकर, कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत करना सीखें। हमें अपने घर से ये बात शुरू करनी पड़ेगी, हर घर को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम महिलाओं बच्चियों का सम्मान करना सिखाएं उनको। ये कोई एलियन नहीं है, बाहर से आए हुए उस तरीके की क्रिमिनल अपराधी नहीं है, ये सोशल अपराधी है जो लगातार अपनी बहनों अपनी साथ की लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हर घर में ये जिम्मेदारी पैदा करनी होगी, सोशल अवेयरनेस चलाना होगा। हम लोग लगातार स्कूलों कॉलेज में जाकर के ये अभियान चलाते हैं, 10-1-0-9-0 के माध्यम से, 1-8-1 के माध्यम से और 1-0 के माध्यम से लगातार हम लोग कंपेन चलाते हैं। एंटी रोमियो स्टार्ट का हमारा रेगुलर कंपेन स्कूल कॉलेज में चल रहा कि बहनों का सम्मान करना सीखिए, ये लड़कियां इसी समाज की अंग है जहाँ से लड़के आते हैं। अब समय आ गया कि हम उन लड़कों को अपने परिवार में ये संस्कार दें कि उनकी लड़कियों का सम्मान करना सीखें, तो अगर हम सम्मान करने की भावना सीखने लगेंगे शायद ये ऐसे अपराध नहीं होंगे। चलिए अमन प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा पे आपने हमें समय दिया और मामले से अवगत कराया। एक आरोपी की हालांकि अब तक गिरफ्तारी हो गई है यमुना प्रसाद जी बता रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम विजय दुबे जी आपके पास अब आएंगे। विजय दुबे जी चूंकि 10 तारीख का ही मामला था, कल प्रशासन तक पहुंचा
और आज कार्रवाई के नाम पर 24 घंटे में एक अपराधी की जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है सर, सवाल एक और है जिस बात का जिक्र खुद एसपी साहब भी कर रहे थे और वो भी आज की तारीख में चिंता का विषय, और एके ने जो सवाल उठाया वो भी महत्वपूर्ण था कि आखिरकार उस पुलिसिंग की जब हम बात करते हैं वो पुलिसिंग आज की तारीख में क्यों नहीं रह गई है, जब सड़कों पर निकल रहे हैं एंटी रोबो स्क्वाड कहाँ कहाँ, हालांकि उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पुलिस फोर्स की कमी है, हर जगह तैनात नहीं कर सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बीच में हालात सुधरे कैसे? मुझसे पूछ रहे हैं आप विजय दुबे जी। अजितेश जी, जी अजितेश जी, ऐसा है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और उसको हम किसी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रचारित करते हैं तो ये साफ होता है कि हमारा इंटेंशन जो है वो मलफाइड है। आपका इंटेंशन ही अगर ठीक नहीं हो तो हम ये सुधार वाली बात तो तब लागू कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सामने वाला व्यक्ति का इंटेंशन जो है वो मलफाइड नहीं है। हम किसी का वीडियो बनाते हैं, हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि हम सुधारने के लिए समाज में परिवार में वापस जाएंगे। ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोग जिनका इंटेंशनली जो इंटेंशनली महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं और उस दुष्प्रचार के दबाव में उनसे बेनिफिट चाहते हैं, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि क्या ये गैर सामाजिक है या सामाजिक लोग हैं? अगर ये गैर सामाजिक हैं तो आप इनको दंडित करिए। अब मैं समझता हूं कि ये सामाजिक अपराध है, ये अपराध है सीधा सीधा। आप किसी के खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, वीडियो प्रचारित कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। और पुलिस व पुलिस के एसपी थानेदार या जो भी अधिकारी हैं उनको ये कहने के पहले पहले ये सोच देखना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या है। आप असल में जो समाज सुधार की बातें करते हैं, समाज सुधार तो बाद में होगा, समाज सुधार उनका होता है जो कि संस्कृत जो संस्कारित होते हैं जी। समाज में उनको उनको संस्कार दिए जाते हैं जो इसके प्रति पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ तो साफ इंटेंशन दिख रहा है कि आप महिला के प्रति अपराधी हैं। आप जान के उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका चीजें तो गलत कर रहे हैं, उसके बाद उसे प्रसारित सवाल ये उठता है कि तब एसपी साहब जी नो नो ये और दूसरी बात ये है कि एक पढ़े लिखे आए कि वो एक दुष्प्रचारित करते हुए व्यक्ति को कह रहे हैं कि समाज में सुधारने की जरूरत है। अरे उनका तो आचरण सामने नजर आ रहा साहब, आप उनको सुधारिए जो कि सुधरे हुए नहीं है, उनके लिए थाने बने हैं, जेल बनी हुई है और अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बारे में सोचिए पहले। बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्थिति आज की तारीख में है। जो पुलिस जेल मैं शुरुआत में ही कहा था, एके ने भी बहुत जरूरी सवाल उठाया था। नहीं जी जी जी, एसपी साहब को प्रवचन देने का आज इस मंच पे बैठ के प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपनी अपनी नोटशीट देखें और अपने उन अधिकारियों से कहें कि जो भाग रहे हैं लोग उनको पकड़ के लाएं, उनको संरक्षण ना दें। राम हृदय जी गौसे खानम के पास आएंगे, आप दारांशी जी के पास आएंगे, उससे पहले राम हृदय जी आपके पास आएंगे। स्थिति देखिए, आज की तारीख में जब कोई अपराध होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस कार्रवाई करती है, 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद कभी ना कभी आरोपी पकड़े ही जाएंगे, होता ही सर ही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिर इस स्थिति में फर्क क्या रहा, आपके आने से सर नया क्या हुआ ये जानना चाह रहे हैं, इसमें आपने बदलाव क्या किया पुलिसिंग को लेकर, खासतौर पर मेरा सवाल सीधा है सर, पुलिसिंग को लेकर जब बात होती है तो आज की तारीख में आप वो छवि बदल नहीं पाए हैं जब मुझे एके को, विजय जी को, आपदा रण जी को, गौसिया खानम को पुलिस के पास जाने से आप डर ना लगे, कहीं ना कहीं झिझक हो ही जाती है कि हम जा रहे हैं पता नहीं कैसे बातचीत करेंगे या क्या हो जाए। राम हृदय जी, क्या बदलाव आप कर पाए? बोला कि हो सकता है कि अब आपको डर ना लगता हो क्योंकि आपका पक्ष मजबूत है, बताइए जी। देख अजितेश जी, देखिए जो विगत 20 वर्षों का कुशासन समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार में रहा है और अराजकता, जंगल राज और भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, ये सब थाली में सजा करके योगी सरकार को मिली है, तो इसको करप्शन को कम करने के लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के पहले ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी ईमानदार हैं, पूरा सिस्टम ईमानदार बनाया जा रहा है, 2.5 साल अभी सरकार को बने हुए हैं और जो 20 साल का कुशासन रहा है, थोड़ा समय चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं सर, आपदा रण सिंह आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले राम हृदय जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने नया क्या किया? पूरा कानून है, नया क्या किया अधिकारियों ने? क्या पुलिसिंग को लेकर कोई क्लासेस ले गई क्या उन्हें? नहीं जाएंगे। हाँ, कोई हुआ क्या? आप हर बार ये कह देते हैं, पिछला पिछला सर
अभी नया क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं कोई नया स्टेप उठाया गया इस चीज को लेकर? एक अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी चीज हुई है कि नहीं, की छुट्टी अब पुलिस वालों की होगी सप्ताह में, लेकिन उस वीक ऑफ के अलावा और क्या नहीं, हुआ? नहीं, पूरा देखिए जो जो पुल जो पुल जो पुलिस वाले अपने जिले के समीपवर्ती जिलों में रहते थे, रिश्तेदारियों घर पे ज्यादा जाते थे, अपने जिम्मेदारियों से भागते थे, आज योगी सरकार में चौकी मई तो घर बना ले रहे हैं, चौकी मई सोप रखा है, चौकी मई तौलिया पहनकर बैठे रहते हैं, अब चौकी मई रह रहे हैं। एक हमारे मित्र के पास गनर है, हमने पूछा एक दिन रात को कि ये बताओ थानों में पुलिस में क्या व्यवस्था है, तो कह रहा है कि योगी जी ने एकदम जो ऊपर का पैसा जो दलाली सर, का बताने की क्या जरूरत है? पहले जो आप तो बीजेपी के नेता हैं, एकदम बंद आप कर एक दिया, राउंड मार दीजिए ना, एक काम करिए ना, पूरी की पूरी एक राउंड मार दीजिएगा लखनऊ छोड़कर, मैं लखनऊ छोड़कर लखनऊ के आगे शहर के आगे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, जो चौकी और थाने में एक बार राउंड मार दीजिएगा सर, बस आपको स्थिति सामने आ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी गार्ड से अंदर क्या है, किस तरह की स्थिति है, कैसे बने हैं, क्या कर रहे होंगे पुलिस वाले, एक बार करके देख लीजिए सर। आपदा रण सिंह जी आप बोलिए, उसके बाद गौसिया खाना आपके पास आएंगे। देखिए तेज जी, राम हृदय जी 2.5 साल से सत्ता में है, इनके पास करने के लिए क्रिएटिव कुछ नहीं है, ना इनका इकबाल है प्रशासन में, और ये रोना रो रहे पिछले 15 सालों का, 15 साल में गलत सरकारें नहीं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आपको मैंडेट दिया जनता ने, आप उनका रोना रोने के बजाय आपने सुधार कार्यक्रम जो भी किए हो वो सामने रखिए। और मुझे जो मूल कारण समझ में आ रहा है, मैं भी इस राजनीति में बहुत लंबे समय से हूं, आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सारे आईएएस आईपीएस को बेईमान और चोर करार दे दिया। सबसे बड़ा कारण मुझे जो मानसिक रूप से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग रहे होंगे जो नालायक भी रहे होंगे, नाकारा भी रहे होंगे, गैर जिम्मेदार भी रहे होंगे, लेकिन अधिकांश आईएएस आईपीएस अधिकारी ये पढ़ लिख के आते हैं, अगर आप पहुंचते ही उनको नालायक बोल दीजिए तो फिर उनमें वापस विश्वास जगाना बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हो हर दिन मीटिंग लेते हैं, हर दिन एनालिसिस करते हैं, हर दिन समीक्षा करते हैं, और हम आप सब सुनते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जी ने सब अधिकारियों को हड़का दिया है, अब ये सब सुधर जाएंगे। 2.5 साल से तो आप कुछ कर नहीं पाए, 2.5 साल बाद संभल जैसी घटनाएं हो रही हैं जिसपे बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके पास सुधार कार्यक्रम क्या लाए वो बता दीजिए। सच्चाई ये है कि पुलिस प्रशासन के किसी भी हिस्से में मुख्यमंत्री का कोई हनक नहीं है, प्रशासन हनक से चलता है। छोटी सी कहावत हमारे पूर्वांचल में कि घोड़े की अपनी कोई रफ्तार नहीं होती है, सवार हमेशा तय करता है कि उसको किस दिशा में ले जाना है और किस रफ्तार से ले जाना है। तो जहां मुख्यमंत्री का खुद का पकड़ नहीं है प्रशासन में, वहां इनसे किसी भी तरह की अच्छी उम्मीद की बात नहीं की जा सकती। हर तरफ माहौल खराब है। ये सिर्फ 2.5 साल में से 2 साल गंगा माता, गौ माता, भारत माता करके निकाल दिए, अब ये 6 महीने से बता रहे पिछली सरकारें खराब थी, अगला 6 महीना और बीत जाएगा, इनसे हम किसी तरह सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके सामने जमुना प्रसाद जी थे, उल्टा समाज को शिक्षा दे रहे हैं। अगर योगी को हटा दीजिए, योगी जी बहुत अच्छे होंगे मान सकते हैं, क्या जमुना प्रसाद आईपीएस हैं, जिला पुलिस प्रमुख हैं, इनकी अगर हनक होती तो किसी के औकात है कि सरेआम रास्ता चलते गार्जियन के साथ लड़की को छेड़े, उसका वीडियो बनाए और वायरल करे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर। समाज सुधार की बातें की जा सकती हैं, समाज सुधार दुबे जी ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं, समाज सुधार उनके लिए जो सुधरना चाहें, और जो बिगड़ चुके हैं उनके लिए दंड की प्रक्रिया है, जेल है, थाना है, पुलिस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह के नहीं, इनको 20 साल में सब सरकारों ने खराब कर दिया तो अगला 20 साल इनको उत्तर प्रदेश पट्टा कर दीजिए तब ये सुधार करके देंगे, ये इनके लिए शर्मनाक बात है। ये कहकर तो खैर बचा इनको भी कुछ नहीं करना है तो 2.5 साल बचा कर लीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश आपका पट्टा नहीं है, दूसरे लोग तैयार खड़े हैं आपको टेक ओवर करेंगे। इन चीजों कहकर बचा नहीं जा सकता है। गौसिया खाना हम आपके पास आएंगे, और मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं, हालात आपने कितने बदलते देखे अभी तक, एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र हुआ, चूंकि आपके पास अलग अलग तरह के मामले आते रहते हैं, आप भी महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहती हैं, लेकिन आपको लगता है किसी तरह की कोई कमी आई या बदलाव आपसे जानना चाहते हैं, अगर आया भी होगा तो प्लीज बताइएगा कि पुलिसिंग में किस तरह का बदलाव आया है। देखिए अजितेश जी, हुकूमत को हम चाहेंगे कि हुकूमत को साइड में रख के बात की जाए, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा हुकूमत का नहीं है, बिल्कुल ये
जनशक्ति का मुद्दा है, यहाँ पे सभी जन सभी लोग हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि समाज में जब भी कभी कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना घटती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रशासन को अलर्ट होना। जब भी किसी जिला या एरिया में कोई डीएम ट्रांसफर होते हैं या एसपी या डीएसपी या एसओ जब ट्रांसफर होते हैं तो उनकी इतनी हनक होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुरानी मूवियों से लेकर के, पुराने जिलों से लेकर के, चंबल घाटी से लेकर के कितना खौफ बना रहता था कि हाँ आज की डेट में फला एसपी आया है, डीएसपी आया है, दरोगा आया है, संभाल के ऐसे चलना, ऐसा काम करना, लूटपाट करना, बड़ा संभाल के वो भी आंखों से काजल निकालते थे। तो कम से कम ये होना चाहिए कि जो एरिया वाइज अधिकारी आ रहा है उसकी इतनी हनक होनी चाहिए कि पब्लिक खुद ब खुद डर जाए। यहाँ पे सरकार की जरूरत नहीं है कि आप टिप्पणी करें, कि एसपी की टिप्पणी करें, बीजेपी की टिप्पणी करें, एनी थिंग्स किसी की भी टिप्पणी करें। आप टिप्पणी ना करके प्रशासन को सोचना चाहिए, जो उनका काम है वो उन्हें करना चाहिए। उनका इतना खौफ, इतना दबदबा होना चाहिए, खौफ का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादती करें, इतना दबदबा होना चाहिए कि जिसमें कम से कम महिलाएं सेफ रह सकें। जी, क्योंकि अपराधी जो है डरते रहें, उनके दिलों में खौफ हो कि हाँ हमारे एरिया का एसपी जो है इतना सख्त आया है, अगर कोई क्राइम होगा तो कम से कम उनको डर होना चाहिए। इस बात का डर तो है नहीं, खौफ है नहीं। जैसे पिता का खौफ होता है बच्चों को, आज के जमाने में किसी को खौफ नहीं होता है, माँ बाप से भी बच्चों को नहीं होता। बच्चा जमाना इतना आगे निकल गया है कि आजकल महिलाओं ने, लड़कियों ने कपड़े पहनना कम कर दिया है। आजकल अगर स्थिति देखी जाए महिलाओं की, तो धीरे धीरे उनके वस्त्र कम होते जा रहे हैं और पुरुषों के बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्राइम का तो ये पहला मुद्दा है। सबसे पहले तो माता पिता को यह देखना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी परिधान क्या है। ठीक है, आप पहनाइए, स्कर्ट हो, जींस हो, टॉप हो, सब पहनाइए, दायरे में पहनाइए। आजकल आप देखिए बाइक पे लड़कियां जाती हैं, उनकी पैंट कहां जा रही है, उनके टॉप कहां जा रहे हैं। मतलब अभी कुछ ही दिनों का किस्सा था, हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्पीड पोस्ट के लिए गए थे, सुन लीजिए, हम लोग गए थे डाकखाने में, तो एक लड़की आई थी, मुझे लगा कि उसके शायद शोल्डर में कुछ दिक्कत होगी, उसका पूरा शोल्डर डाउन था एकदम, और उसको आप यकीन नहीं मानेंगे, 70-70 साल के बुजुर्ग भी बड़े ध्यान से देख रहे थे। लेकिन मैम इससे अपराध का क्या मतलब है कि ये तो वही बात हो गई ना। मैंने एक चीज, अगर कपड़े और भी नोटिस कम होना अगर अपराध को बढ़ावा देता है तो मैम तीन तीन साल की, छह छह महीने की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है मैम। नहीं नहीं, वो देखिए, ये मैंने क्या कहा, अगर आप पहले उठा लीजिए इस चीज से, अगर हम बात करें कि अगर कोई महिला सड़क पर जा रही है, खुली तिजोरी, खुली तिजोरी समझिएगा, खुली तिजोरी खाली जमीन नहीं मैम, सॉरी, ये फिर पुरानी मानसिकता की बात कर रहे हैं। लड़की, मैंने नोटिस किया अभी पिक्चर में, एक चीज नोटिस की मैंने कि बाइक पे दो लड़के हैं सवार उसके साथ, ये घटना अगर घटित हुई है तो उसके साथ दो लड़के भी मैंने देखा है जो उसके सपोर्ट में है, और एक का हाथ में बार बार देख रही हूँ। तो मतलब इस घटना का एक सीन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि जो सीन क्रिएट कर रहा है वहाँ पे वो कुछ और बता रहा है, क्योंकि दो लड़के भी है उसके साथ, अचानक अगर किसी ने छेड़ा भी है कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा है। बिल्कुल मैम, हम वो नहीं कह रहे, महिला के साथ अगर दो लड़कियां, दो अगर एक लड़की मोटरसाइकिल पर जा भी रही है मैम, उसके कपड़े अगर इधर उधर जा भी रहे हैं, उसका भाई अगर पीछे से जा रहा है तो नहीं देखेगा ना, क्योंकि उसकी मानसिकता ठीक है। अब भाई अगर दूसरी तरफ दो लड़के जा रहे हैं, मानसिकता ही खराब है तो क्या करेंगे, देखेंगे वहीं पर। कहने का मतलब यह है देखेंगे ही वहीं पर। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं अजितेश आपको बताऊं, मैं गौसिया मैम को, उस लड़की ने तो सलवार सूट पहन के रखा है ना, ये केस छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल जो गौसिया मैम ने जो टॉपिक उठाया है, स्कर्ट की नहीं है, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैं उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करूंगा। उसका एक रीजन है, ये इस तरीके के जो क्राइम है ना, उसकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वो चीजें बन जाती हैं कि जिसके कारण आदमी जो है प्रोत्साहित हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, आप स्वतंत्र हैं, आप मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप निर्लज्ज हो जाइए, चाहे वो आपकी वेशभूषा हो, चाहे आपकी जबान हो, चाहे आपके हाव भाव हो, मर्यादा में सबको रहना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। बहुत ऐसा भी नहीं आप की मर्यादा एकदम आप हठ योग में चले जाए मर्यादा के, या एकदम से ही एक
समाज है ही एक समन्वय का नाम, और वहां पे हर चीज में आपको समन्वय रखना है, खाने पीने पे, आचरण पे, बोलने पे, हर चीज पे रखना है। देखिए ये तो एक जरूरी है, मैं इसको मानता हूँ। आज अगर कोई बोल रहा है कि हम छोटे कपड़े पहनेंगे, कल को बोलेंगे हम पहने या ना पहने, हम स्वतंत्र देश में है, इससे क्या मतलब है? वो ऐसी स्वतंत्रता जो है संविधान उम्मीदान नहीं देता है, संविधान भी बना है तो समाज की मान्यताओं को, तो समाज में जो चीज उचित है उसी हिसाब से बिहेवियर करना चाहिए, ना गुलामी की हद तक जाके, ना एकदम जिसको आप ये, इसको हम स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे, इसको हम उच्छृंखलता बोलेंगे कि भाई कोई किसी को मानना नहीं, क्यों नहीं मानना आप समाज से सब चीज़ ले रहे हो। कि फिर तय कौन करेगा कि लड़की जो ड्रेस पहन रखी है उसमें शोल्डर जो है कितना ऊपर रहना चाहिए कितना नीचे रहना चाहिए? अरे यहाँ की परंपराएं तय करेंगी, उसके लिए इंची टेप लेके टेलर थोड़ी तय करेगा। वही तो कह रहा हूँ ना, कपड़ों को लेकर यहाँ की परंपराएं तय करेंगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी आदमी हो, यहाँ की परंपराएं किसी भी देश की तो परंपराएं तय करती है कि वहाँ का आभूषण क्या हो। क्या है, मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ की परंपरा क्या है पहले ये जान लीजिए। यहाँ की परंपरा ये नहीं है कि आप आधे आधे कपड़े पहन करके घूमिए। वो लड़की फुल लिबास में है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन क्राइम को कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ावा देती है। मैम फास्ट फूड से भी फिर होता है क्राइम, मैंने भी पहनी है। फिर इस तरह का क्राइम फास्ट फूड से भी होता है, जो नेता बयान देते हैं कि भाई हम चाउमीन खा लेते हैं गरम गरम, इसलिए ऐसा हो जाता है। नहीं कहां तक हम इस चीज को लेकर चर्चा करें? भेजे तो भेजी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही फैक्टर इसके लिए है, हर आदमी को, समाज के हर अंग को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने आप को अनुशासित करना होगा, परंपराओं का पालन करना होगा। उसके बाद सवाल ये आता है, जो आपने बोला वो भी सही है, मैं बोलता हूँ भाई कोई कैसा भी पहने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको मार डालें। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हम हाल ही में अगर देखें, चारों मामलों को आप उठा लीजिए, आप चारों मामलों को उठा लीजिए जो छेड़छाड़ के मामले हैं, इसमें कपड़े कहीं भी मैटर नहीं कर रहे। मैं इन केसेस चारों मामलों केसेस को मानता हूँ, इसी केसेस को करने के लिए भाई हैवानियत ये होती है। हाँ। आप ये तो छोड़ दीजिए, इतने रेप के केसेस आ रहे हैं, घर हाँ। में घुस के लूट डकैती हो रही है। हाँ। तो उसके लिए क्या ये हैवान टाइप के लोग हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हाँ। हैं, जिसके लिए पुलिसिंग और भाई या तो पुलिस और प्रशासन हमें ये बोल दे कि भाई तुम खुद अपने आप निपट लो, क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि विजय दुबेजी आपदारण जी आपके पास आएंगे, आपदारण जी आपके पास आएंगे, विजय दुबेजी उससे पहले आपके पास आऊंगा। सड़क पर दो लड़कियां अगर जा रही, मैं खुलकर जब बात हो रही है तो कर ही देता हूं, अगर दो लड़कियां सड़क पर जा रही है, सलवार सूट और पूरा घूंघट पहन रखा है, तो गारंटी नहीं है कि उसको छेड़ेगा नहीं कोई? सर बिल्कुल छेड़ेगा, कोई ले सकता है क्या उसकी गारंटी? का प्रश्न है, और हम केवल लिबास पे, लोगों के कपड़ों पे, पहनावे पे नहीं जा सकते, वो मानक नहीं हो सकता है अपराध और सोच का। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कपड़े, हम आप कपड़े पहनने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और जो फैशन इस वक्त का चल रहा होगा निश्चित तौर पर बच्चे और समाज उसी को पहनता सर, है। कपड़े पहनने के लिए अच्छा स्वतंत्र है, कपड़े न पहनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े पहनने के लिए आप स्वतंत्र है, कपड़े न पहनने के लिए स्वतंत्र भारतीय समाज में आप नहीं है। मिश्रा जी आपको बहुत सारे और भी मानक तय करने पड़ेंगे, फिर पिक्चरों के, फिल्मों के अभिनेताओं, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट भाई पिक्चरों में नहीं, कहानी नहीं, को बेस बना के क्यों नग्नता दिखाई है? गलत तो वो भी है ना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि आप जो है परिधान समाज के हिसाब से ना पहने, और जो समय काल है उस हिसाब से आप पहनिए निश्चित तौर पर, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने तरीके से रहना चाहे तो हम उसके लिए अपने मानक तय करें, उस पर थोपें, ये भी ये कहीं भी स्वीकार नहीं होगा। मैंने समाज के मानक बोला है, मैं अपना मानक नहीं बोल रहा हूँ, आपका मेरा जितेश का गौसिया मैम का कोई मानक नहीं है, समाज के हजारों साल की जो परंपरा है उसका मानक का कारण है, क्राइम का कारण है, मैं मानती हूँ इस बात को। मेरे पास एक केस भी आया था जो इसी से रिलेटेड आया, नहीं है मैम लड़के केवल जिम्मेदार नहीं है, वो बात ठीक है, मानसिकता जिम्मेदार है जो अपराधी बिल्कुल है। गौसिया जी आपकी बात बिल्कुल सही है, कपड़ों को लेकर जब बात करते, देखिए हर 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 तरह के कार्यक्रम के लिए, हर तरह की समाज के लिए अलग अलग परिधान होते हैं, मानते हैं इस बात को मैम। अब जब घर में कोई पूजा पाठ होती है तो हमने देखा है कि किस तरह से जो लड़की सर पर घूंघट भी नहीं रही वो पल्ला रख लेती है, पूजा पाठ हो रही है, ये संस्कार है। लेकिन मैम हम इसके लिए क्राइम के लिए जिम्मेदार कतई नहीं मान सकते, कपड़े क्राइम के लिए जिम्मेदार है ही नहीं मैम। निर्भया जैसे केस की हम जब बात कर लेते हैं वहां पर भी कपड़े मैटर नहीं कर रहे थे। मैं
उसके बारे में बता, वहां पर उन चार भेड़ियों की मानसिकता मैटर कर रही थी मैम। वो ये केस अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्राइम को जागरूक करते हैं। कैसे मैम? क्योंकि महिलाओं को अपनी सुरक्षा अगर चाहिए तो जींस पहने, चाहे स्कर्ट पहने, लेकिन दायरे में पहने। नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो महिला सुरक्षा तब हो पाएगी अगर आप यही बात कर रहे हैं कपड़े उसने जैसे भी पहन रखे हैं, अगर इतना उसके अंदर ताकत हो को थप्पड़ मार सके सड़क पर जो उसे छेड़छाड़ कर रहा है, उस दिन खत्म हो जाएगा क्राइम। आपदारण सिंह, सबसे अच्छी बात है कि आप कंपलसरी कर दीजिए, उठा के भाई हुकूमत कंपलसरी कर दे, जितने भी बच्चे हो लड़कियां, इतनी हिम्मत हम लड़कियों को दे दे कि कोई छेड़छाड़ सड़क पर कर रहा हो तो उसको थप्पड़ मार दे जोर से, और दूसरी तरफ अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा दे कि कम से कम चाक चौराहों पर पुलिस व्यवस्था तैनात हो, लड़की को पुलिस के पास जाने में डर ना लगे, तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन कपड़े इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप धारण सिंह जी अपनी राय रखिए। अजितेश जी, अंग्रेजी में एक इडियम है, विम डिफाइंस योर अप्रोच। इसका हिंदी मतलब यह हुआ कि आप किस चीज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यह आपके अप्रोच को डिसाइड करता है। हमारी बहन खानम जी बैठी हैं, इनका यह जरूर मानना है कि कपड़ा भी एक कारण हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन असली कारण है मानसिकता। हम जब अपने घर में होते हैं तो हमारी मां भी होती है, दादी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भाभी भी होती है, भतीजी भी होती है, सभी स्त्रियां हैं, लेकिन उनको देखने का हमारा जो नजरिया है वो हमारे रिश्तों को डिफाइन करता है और उसकी मर्यादा को मेंटेन करता है। ये हुई समाज की बात। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन का हनक होना चाहिए जिसमें आम आदमी सुरक्षित महसूस करे और अपराधी डरे। इतनी दृढ़ता से जो अपराध किया गया हो उसमें मानसिकता जिम्मेदार है ना, मैं इसके लिए कपड़े को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही समाज की कुरीतियों को मानता हूं। रीतियां और कुरीतियां हमने बनाई है अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए। जहां तक प्रशासन का रोल है, प्रशासन की हनक होनी चाहिए जो नहीं दिखी इस पूरे मामले में। और जमुना प्रसाद जी की मैं बात सुन रहा था, कल FIR लिखी गई है और 24 घंटे में एक गिरफ्तार हुआ है। प्रश्न वहां उठता है कि 10 तारीख की घटना है, तुरंत पुलिस को जानकारी में आई होगी, उसी समय घटना की रिपोर्ट दर्ज करके और कार्रवाई शुरू की जाती है तो शायद 5 दिन बाद से भी अगर संज्ञान ले लें और काम कर रहे तो फिर पुलिस ही किस पकड़े जाते ये भी और उन्हें दंडित किया जाता। रही बात खानम जी की, तो मैं इनसे थोड़ा नातेफाक रखते हुए, अगर कपड़ों की वजह से अपराध होते तो बॉम्बे इसका केंद्र होता जहां से ये सब कुछ परोसा जाता हमको। हम किस रूप में समाज में रहना चाहते हैं ये हमें तय करना है। आज भी खानम जी पूरे सूट में है, ठीक ठाक दुपट्टे में बैठी हुई है, इनको किसी ने इंफोर्स नहीं किया है, ये खुद की च्वाइस है कैसे रहना है। ये जरूर है कि मैं मिश्रा जी से भी सहमत हूं इस मामले में, बिल्कुल, कि हमारे समाज ने जो हमारे पहनावे के मानक तय किए हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन सब के बियॉन्ड एक बात यह है कि प्रशासन की हनक इसके लिए जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पैनलिस्ट अपनी राय देंगे। इस पूरी चर्चा में आप राम हृदय जी को मैं ऐड करूंगा, काफी देर से शांत भी हैं और शायद खुद को थोड़ा सेफ फील कर रहे होंगे कि उनसे सवाल नहीं हो रहा, हम लोग चर्चा परिधानों पर करने लगे, समाज की सोच पर करने लगे। लेकिन राम हृदय जी मैं वापस ले आता हूं, क्योंकि आपदा रण सिंह ने बराबर विपक्ष का काम किया, एंड में आते आते आप पर सवाल खड़े कर दिए। अब मैं फिर से उसी मुद्दे पर वापस आऊंगा। मेरा सवाल सर ये है कि बदलाव को लेकर जब आपने सवाल किया तो बदलाव, फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई बदलाव नजर नहीं आया अब तक। जैसी चीजें चल रही थी चल रही हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश सख्त हैं इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका पालन करने में अधिकारी लगातार आनाकानी कर रहे हैं, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इस घटना का जिक्र अगर हम कर लें, आखिरकार पुलिस अपने आप से संज्ञान ले ले, कार्रवाई करे, चीजों की जांच पड़ताल करे, तो वो पुलिस ही नहीं कराएगी, ऐसा क्यों है? 10 तारीख की घटना थी, आप धारण सिंह ने कहा कल जब FIR दर्ज हुई तब जाकर आज कार्रवाई हो रही है, 5 दिन से मामला के संज्ञान में नहीं आया होगा। इतनी बड़ी घटना घट गई, वीडियो पूरे शहर में घूम चुका है। जी अजीतेश जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अच्छा सर एक सेकंड का गठन किया, एक सेकंड सर रुकूंगा, आप अपनी राय रखिएगा। मेरा एक और सवाल ऐड कर देता हूं, परिधानों को लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए
परिधानों को लेकर के निश्चित ही भारत हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है और संस्कृति सभ्यता का देश रहा है और हमारा देश निश्चित ही धर्म और संस्कृतियों का देश रहा है। तो परिधान संस्कृति और रीति रिवाज से होने चाहिए और संस्कारित होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो बना करके और पार्कों से लेकर के सड़कों तक पूरा हर चौराहों पर आपने देखा होगा किस तरह से देखा था सर, हमने नोएडा में भी देखा था, एक गैर जिम्मेदार काम कम उम्र के लड़के लड़कियां करते किस तरह से उनको रोका गया और पुलिस ने सहयोग किया और सबको कहा कि भाई बहन की तरह रिश्ता रखो। पता चल रहा है कि कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के नाम पे जा रही हैं और वहां पार्कों में घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया था और उस पर कार्रवाई की थी, लेकिन नेता सदन समाजवादी पार्टी माननीय राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा में विरोध करके मजाक उड़ाया था कि एंटी रोमियो मुख्यमंत्री जी बनाए हैं और मुख्यमंत्री जी एक तरफ शादी नहीं की है, ये क्या जानते हैं एंटी रोमियो। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो मथुरा के अंदर जवाहर भाग में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए लोग थे और इंस्पेक्टर सीओ तक उसमें मारे गए और बोनेट पे बैठा के हजरतगंज में सीओ को घुमाया गया, मुजफ्फरनगर जल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिवपाल जी और नेताजी बैठ करके सेफाई में नाच देख रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये कृतनद का पूरा का पूरा कानून का राज है और पूरा जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। आप ही के माध्यम से एसपी से बात हुई, आपने देखा होगा चार आरोपियों में से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और कप्तान साहब ने कहा कि तुरंत ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। पुलिस पूरी की पूरी जनता के साथ खड़ी है, पीड़ित के साथ खड़ी है और सरकार निष्पक्ष और न्याय करेगी। जो वर्क कल्चर है ना सरकारी डिपार्टमेंट का, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट का, आप देख लीजिए इसके पहले भी जो सरकारें थी होता क्या है, केस हुआ तुरंत एक्टिव क्यों नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास कोई गुहार लगाते रहे जाते भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि पुलिस अगर केवल गुहार लगाने पे या उनके पास जब इंफॉर्मेशन जाए और इमीडिएट वो घटना स्थल पे पहुंच जाए जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो बहुत सारी घटनाएं रुक जाए। और यही प्रैक्टिस, यही पुलिसिंग का बिहेवियर अगर लगातार अपना लिया जाए, क्विक एक्शन क्विक रिएक्शन, तो आप समझ लीजिए कि समाज में एक भय व्याप्त तो होगा, लोगों को पता चलेगा कि हम कुछ भी करेंगे 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी, तो उससे बहुत जबरदस्त एक तब्दीली आ सकती है। अब हर केस में आप देखिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, घटना की 5 दिन के बाद जांच शुरू हो रही है, वो भी जब मीडिया प्रेशर बनाती है तब जाकर के वो होता है कि कहीं वोट बैंक जो है बचा रहे, सरकार किसी की भी हो। इसीलिए मैंने बोला था कि जो पुलिसिंग का मैनर है ना वो अभी भी, ये केवल यही की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं हर जगह अभी ये करेक्टिव मूड पे होते हैं, यानी घटना पुलिस वालों की मनस्थिति ये बन गई है कि घटना हो जाए उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। अरे ये क्यों, इसी मनस्थिति को आप पलटिए ना, जिम्मेदारी तो ये होती है कि घटना होने ही ना पाए। शाम को ऐसी घटनाएं देखिए, जिन जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं होती है, चौराहों पर, बच्चियों की स्कूल के सामने, उन सब जगह पे आप प्रिवेंटिव मूड पे रहिए। पुलिस, मैं मानता हूं पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सारी कमियां होंगी, उतने सुरक्षा बल नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकल जो है सपोर्ट उनको नहीं होगा, बाइक नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको सीरियसली, अब कितने नए पुलिस लोग, 20 करोड़ की जनता को सुरक्षा देने के लिए कितने पुलिस वाले हैं जरा रेशियो निकाल लीजिए, वर्ल्ड में सबसे कम होगा, इंडिया तो छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड में सबसे कम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस पर्सनल की अगर होगी तो यूपी में होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी, 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पे एक एक चौकियां हैं, एक चौकी का दायरा 50 किलोमीटर आ रहा है, वहां पे उनको व्हीकल नहीं है, कम्युनिकेशन के वो नहीं है, तो कैसे वो 20 मिनट में पहुंचेंगे, जो एक इंटरनेशनल नॉर्म है, घटना होने पे 20 मिनट के भीतर पुलिस पहुंचनी चाहिए, वो यूपी में किसी भी जगह पे आप कैसे करेंगे, आप इसी नॉर्म को पूरा कर दीजिए और बस पुलिस कुछ न करे, घटना होते ही वहां केवल उसकी प्रेजेंस हो जाए, घटना अपने आप रुक जाएगी, ना मर्डर होगा ना छेड़, ठीक है। ये घटना भी आप देखिए, कम से कम ये प्रकरण चला होगा तो आधे घंटे तक हा हल्ला चला होगा, वहां पे घटना चली होगी, अगर पुलिस पहुंच जाती 5-10 मिनट में जाता तो मामला सुलझ जाता, ले जाते, ठीक है। अवधारण सिंह जी अपनी राय रखें सर, बोलिए। सर एंटी रोमियो को लेकर राम हृदय जी बड़ा ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शपथ के तीसरे या चौथे दिन गोमती रिवर फ्रंट पे आने वाले थे, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे नोएडा से, तो उन्होंने कहा भाई हमने सुना अखिलेश जी ने बहुत अच्छा फवारा वगैरह लगाया, चलो हमको भी दिखा के लाओ। तो फवारा चल नहीं रहा था, सूर्यास्त होने को था, हम लोग बैठ के चबूतरे पे इंतजार कर रहे थे।
इतने में एक आईपीएस नई नई आई थी कोई सक्सेना जी, उनके नेतृत्व में 10-12 इंस्पेक्टर और 40-50 सिपाही पहुंचे, 4,500 आदमी रहा होगा पूरे प्रांगण में गोमती तट पे, एक तरफ से पीटना शुरू किया और जो लड़की के साथ मिल गया, महिला के साथ मिल गया, सबको मुर्गा बना दिए। घटना ये थी कि यूपीआरएनएन में अकाउंटेंट थे कोई कुलश्रेष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ, तो वो बातचीत आपस में करते जा रहे थे। पत्नी ने कहा कि देखो 3-4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, अब हमको अपने बच्चे की बचत के लिए सोचना चाहिए। तो मुझे लगा ये पति पत्नी होंगे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था जांचने का। उनको मेरे ही सामने पुलिस ने मार के मुर्गा बना दिया और बीवी चिल्ला रही कि मेरे पति हैं, तो इंस्पेक्टर पूछ रहा आप प्रूफ दिखाइए आपके पति कैसे हैं। फिर मैं उठ के गया, मैंने कहा मैडम आप भी एक स्त्री हैं, अगर आप इनकी पत्नी होती तो आप कैसे बताती कि ये हमारे पति हैं? कोई मैरिज सर्टिफिकेट लेके पिकनिक पे घूमने जाता है, अगर आप कैसे हस्तक्षेप कर रहे, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा मैंने इनकी बातचीत सुनी है और ये पति पत्नी है। तब जाके महिला ने रियलाइज किया और उनको छोड़ा गया। 5 मिनट के अंदर पूरा रिवर फ्रंट पे 80 साल के बुजुर्ग भी आए थे दंपत्ति घूमने, और उसमें नए जोड़े भी रहे होंगे, विवाहित जोड़े भी रहे होंगे। इस तरह का आतंक फैलाने वाले एंटी रोमियो स्क्वाड की ये दुहाई दे रहे हैं। की तरफ चलेंगे, अगर आपका इकबाल बुलंद है प्रशासन में तो किसी स्क्वाड की जरूरत नहीं है, जो पुलिस है यही पर्याप्त है। इनकी हनक होनी चाहिए, इनका इकबाल बुलंद होना चाहिए। खानम जी 30 सेकंड में लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, फिर एक एक करके सबके पास चलेंगे। 30 सेकंड में लास्ट कमेंट चर्चा में बोलिए जी, आप आखिरी कमेंट अपना दे दीजिए जो दो लाइन। 30 सेकंड में एक आखिरी कमेंट जी। मैं ये कमेंट देना चाहती हूँ कि जैसे कि हरण साहब जी ने कहा कि प्रशासन ही मजबूत होना चाहिए, उसी की हनक होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ कि प्रशासन की हनक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि प्रशासन की हनक होनी चाहिए तो क्राइम खुद ब खुद नहीं होगा। ठीक है मैम, ठीक है, भेजे तो भेजिए 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट। देखिए अजय जी, पुलिस को अपना नजरिया बदलना होगा। पुलिस को बहुत जिम्मेदारी के साथ में लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत इंटीग्रेटेड और कॉम्प्लेक्स जो है व्यवस्था है, सिस्टम है, और चेंज सबसे पहले पुलिसिंग में, उनके बिहेवियर में चेंज करिए, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, उनकी अवेलेबिलिटी हर जगह रहे। उसके साथ साथ जो सोशल क्राइम होते हैं, ये सोशल क्राइम है, अब्यूज देना, सड़क पे लड़ना, ये सब चीजें तो ये फैमिली से भी होना चाहिए। मैं उन फैमिली वालों को भी बोलता हूँ जिनके लड़के इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, वो फैमिली वाले क्या एक्शन लेते हैं, समाज समाज ऐसे लोगों को बहिष्कृत करे, शादी ब्याह इन लोगों का रोके इनके घरों में। तो सोसाइटी का भी एक रोल है, फैमिली का भी रोल है, और गवर्नमेंट को इमीडिएट बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। चलिए, समय की कमी है, एक ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौसिया खानम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपदारण सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूरी स्थिति सबके सामने है, छेड़छाड़ के मामले लगातार थम नहीं रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उस मानसिकता की है जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है, जिम्मेदारी उस कार्यप्रणाली की है जिसे पुलिस बेहतर तरह से नहीं कर रही है। अगर समय रहते इसी चीजों को पकड़ा जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, तो एक डर लोगों के अंदर होगा, और सबसे बड़ी बात एक बार फिर से उसी मानसिकता की जो कहीं ना कहीं हमारे आपके कुछ अपने लोगों के अंदर है, जहां पर अपनी बहन तो बहन है लेकिन दूसरे की बहन जो है उससे उसके साथ छेड़छाड़ करनी ही है, इस मानसिकता को बदलने की आज की तारीख में जरूरत है। 5 के प्रश्नकाल में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।